सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण मंत्रों के बारे में आलोचना करने जा रहे हैं, जो महामारी नाशिनी मंत्रों के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात इस मंत्र का जाप करने से महामारी का नाश होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम केवल मंत्रों का जाप करें, परंतु महामारी को रोकने के लिए सरकार या प्रशासन के द्वारा किया गया नियम को पालन नहीं करेंगे, समय पर महामारी प्रतिषेधक टीका नहीं लेंगे और आवश्यक प्रतिषेधक व्यवस्था नहीं करेंगे। यह तो ही हम सांसारिक है, इस संसार में रहते हैं, तो हमको महामारी को रोकने के लिए सरकार या प्रशासन के द्वारा किया गया नियमों को पालन करना पड़ेगा, समय पर महामारी प्रतिषेधक टीका लेना पड़ेगा और आवश्यक प्रतिषेधक व्यवस्था के साथ साथ यदि हम ऋषियों के द्वारा रचित मंत्रों का विधिपूर्वक, भक्तिपूर्वक और श्रद्धापूर्वक जाप करेंगे तो अवश्य ही महामारी का नाश होगा। यह मंत्र ऋषि मार्कंडेय द्वारा रचित अर्गला स्तोत्र का पहला स्तोत्र है। यद्यपि इसको स्तोत्र कहा जाता है, परंतु यह एक सिद्ध संपुट मंत्र है। अर्थात संपुट देकर विधिवत पारायण करने से यह मंत्र महामारी का नाश करता है। यह मंत्र संस्कृत भाषा में रचित है। मंत्र इसी प्रकार है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ओम। अर्थात हम भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं, हे जगदम्बे, आप जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नाम से जाने जाते हैं, आपको मेरा शतकोटि प्रणाम। आइए इस मंत्र को हम तीन बार जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ओम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ओम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ओम। आज इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।